यो व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू 4 मिनट बिल्ड विद हंटर ऑन हाइव। तो चले चलते हैं, बात करते हैं एक दूसरे हंटर के बारे में जो कि है बीस्ट बे क्योंहो। अब बीस्ट बे क्योंहो एक लाइट टाइप कैरेक्टर है जो कि चाहे इनको बहुत ही स्ट्रांगली कॉम्प्लीमेंट करता है इन डीलिंग विद द जायंट अरेक्नाइड। और अगर हम बीस्ट बे क्योंहो के बिल्ड के बारे में बात करें तो उस पर आपको डिफेंस पे फोकस करना है, बिकॉज अगर हम स्किल पे जाएंगे देन हिज अटैक विल बेस्ड ऑन हिज डिफेंस। तो वन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर, अटैक एच पी का हमने देख लिया, ये डिफेंस है। तो आपको इसको जितना ज़्यादा हो सके डिफेंस देना, और ऑब्वियसली द वेपन दैट यू वॉन्ट टू गिव हिम विल ऑल्सो बी समथिंग जिसपे डिफेंस हो। तो हमने यहाँ पर इसे स्टील एक्स दे रखा है, बट देर आर प्लेंटी अदर डिफेंस बेस्ड वेपन एज वेल। तो अगर आप चाहो तो वो भी दे सकते हो, लेकिन ये स्टील शील्ड बहुत बेकार है क्योंकि ये क्या करता है, डिक्रीज डैमेज टेकन फ्रॉम मॉन्स्टर। मतलब इसका सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाएगा बट डैमेज नहीं बढ़ाएगा। और अगर आर रैंक वेपन में बात करें तो स्टील, ये हैचेट भी बहुत अच्छा है, ये भी डिफेंस देता है और कोर अटैक डैमेज इंक्रीज करता है बेसिकली। सो आई थिंक वी हैव इट एट A10 हियर वन। ओके, A10 पे ये है। सो यहाँ पर देख सकते हो कि 18% कोर अटैक डैमेज देता है, बट एपिक वाला 24% देता है, और प्रिसीजन में दोनों सेम अमाउंट है, तो अ डिफेंस बट इस पर ज़्यादा है। सो ओवरऑल मेरे ओपिनियन में द A5 SR इज बेटर दैन A10 आर रैंक वेपन, ठीक है। सो डेफिनेटली उस तरीके से आपको इसको वेपन पे देखना है। अब अगर हम बात करेंगे स्किल्स पे, तो बे क्योंहो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेक कैरेक्टर करता है, ब्रेक पे बहुत अच्छा ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक है इसके बेसिक अटैक पे, वीक ब्रेक है ऑन हिज बेसिक अटैक। स्किल्स पे बात करें तो यहाँ पे मीडियम ब्रेक देखने को आपको मिल जाएगा, और दूसरे स्किल पे हैवी ब्रेक है। सो वन ऑफ द कैरेक्टर जिसपे हैवी ब्रेक है, तो बहुत जल्दी ब्रेक कर देता है एनिमीज को, ब्रेक गॉड है ये। अगर हम इसके सपोर्ट स्किल की बात करें तो डिफेंस डाउन लगाता है एनिमी पे 20% का, विच इज ह्यूज, और डैमेज भी अच्छा खासा विद अ मीडियम ब्रेक। क्यूटी स्किल में मीडियम ब्रेक करके ये एनिमी को अटैक करता है, विच इज़ रियली नाइस। उसके बाद अल्टीमेट स्किल की बात करेंगे तो लाइट डैमेज डील करता है, ब्रेक नहीं है इस पर, बट डिफेंस डिक्रीज लगाता है एनिमी पे 20% का। पैसिव की बात करेंगे, द वाइट फ्लेम इफेक्ट इज अप्लाइड जब आप यूज करोगे बेसिक अटैक्स, ठीक है। वेन द लास्ट हिट of all skills is applied to the last hit of all skills excluding basic attack, तो मतलब जो भी skill है उसके last hit पे ये एक white flames लगाता है, और white flames क्या करता है, 3 instants the effect have been stacked, it affects a violent explosion dealing damage equal to 400% of the user's defense and applying defense decrease to the target duration infinite, तो basically this is a huge buff on his end, तो बहुत ही strong है with this। और artifact पर अगर हम आते हैं तो artifact पर obviously आपको इसको break set देना, which is solid analysis, and आपको focus करना है to get defense on most of the stats when possible, क्योंकि defense इसका जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। अगर आप recommended stat की भी बात करें तो defense, light damage और crit rate है। हमारा crit rate थोड़ा कम है, but we were focusing on his defense। और एसेसरीज में इसको अगर आप वर्ड एसेंट सेट दोगे तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि वर्ड एसेंट सेट क्या करता है, इंक्रीजेज द यूजर्स स्किल एमपी कंजम्पशन रेट बाय 20%, मतलब एमपी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, लेकिन डैमेज डेल्ट इसका 5% से बढ़ जाता है, डिक्रीज द यूजर्स बेसिक स्किल कूलडाउन बाय 5%। और अगर इसका 4 पीस सेट है तो 18% हो जाता है इंक्रीज डैमेज एंड 18% हो जाता है कूलडाउन रिडक्शन, मतलब एनिमी पे 18% डैमेज ज़्यादा डील करेगा और इसके स्किल के कूलडाउन पे 18% कम होंगे, विच इज़ ग्रेट, इट वर्क्स आउट फॉर हिम। अगर आप चाहो तो दूसरा आप दे सकते हो, तो वो होगा स्केलेटन सेट। सो ऑल्टरनेट में आप इसको स्केलेटन सेट भी दे सकते हो बेस्ड ऑन व्हाटएवर यू गेट। आपको ब्रेसलेट पे लाइट डैमेज पे फोकस करना है। सो या विद दैट दिस इज अ 4 मिनट बिल्ड ऑफ बे क्योंहो। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस आउट, टेक केयर।